हाय बच्चों, सो देर वॉज अ लॉट ऑफ डाउट एंड क्वेश्चंस जो बाकी लास्ट दो तीन वीडियोस पे आए, एंड दैट इज कि अगर नीट नहीं तो उसके अलावा और क्या कर सकते हैं, व्हाट आर दी अदर ऑप्शंस दैट वी हैव. ठीक है, विच आई अंडरस्टैंड, क्योंकि एक कन्फ्यूजन होता है क्लास 12th के बाद. बहुत सारे पेरेंट्स भी नहीं गाइड कर पाते, क्योंकि वो एक मेंटालिटी है हमारा कि अगर सिर्फ प्रोफेशनल कॉलेजेस में आप जा रहे हो तो ही कुछ होगा, वरना नहीं होगा. ठीक है, विच आई डोंट अग्री विथ, एंड मैं बहुत ही ऐसे इस मामले में आई एम वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप चाहो तो आप किसी भी फील्ड में अच्छा कर सकते हो, आप चाहो तो कोई भी बिल्कुल ऑफ बीट फील्ड हो सकता है एंड यू कैन स्टिल फ्लरिश एंड बी सक्सेसफुल इन इट. सेकेंड थिंग इज वॉट आई फील इज कि कोई भी प्रोफेशन, आई डोंट नो, मुझे एज पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि देर इज नो प्रोफेशन जिसके बिना हम सर्वाइव कर रहे हैं इन द प्रेजेंट डे. चाहे हम साइंस के स्टूडेंट हो के साइंस को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देते हैं और बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं, वेर एज आर्ट्स को उतना नहीं दे रहे हैं हम अटेंशन, जबकि अ लॉट ऑफ थिंग्स आर रिलेटेड टू दिस. आपके हायर स्टडीज़ हो गए, आपके सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स हो गए, उसमें सब कुछ सोशल साइंस के अराउंड चल रहा है, पॉलिटिकल साइंस है, जियोग्राफी एंड एवरीथिंग. बेसिकली फॉर मी, आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन विद रिस्पेक्ट टू फील्ड्स एंड प्रोफेशंस. फॉर मी ईच एंड एवरी प्रोफेशन इज इम्पॉर्टेंट, एंड फॉर तो और वो आप मेरे मेरे खुद के चॉइसेस से भी समझ सकते हो. आई हैव डन BSc एंड MSc बॉटनी, विच इज अगर अगर आप अपने पेरेंट्स को अभी बोलोगे तो आज की डेट में तुमको भी नहीं करने देंगे, एंड आई हैव डन दिस अ डेकेड अर्लियर. ठीक है, एटलीस्ट. सो वो एक कहानी अलग है. तो मैं ये बोलूंगी कि अपने दिमाग में पहले थोड़ा एक प्रायोरिटी बनाओ. मैंने पहले भी बोली ये चीज़, आस्क योर सेल्फ वाई यू वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर. ठीक है, और फिर वहां से आपको रास्ता मिलेगा कि आप कहाँ जाना चाहते हो. ठीक है, वॉट अदर ऑप्शन यू कैन क्रिएट फॉर योर सेल्फ एंड वॉट अदर ऑप्शन यू कैन लुक इन टू, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद सम बेसिक फंडा. पहली बात तो ये है कि अगर MBBS नहीं मिल रहा है तो नीट के थ्रू ही जो दूसरे कोर्सेज मिलते हैं आप उनके लिए जा सकते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल BDS. BDS मैम, हमको डेंटिस्ट नहीं बनना, डेंटिस्ट ये डेंटिस्ट वो. देखो, जो ज़्यादा बोलते हैं ना वो ज़्यादातर कुछ और ही काम कर रहे होते हैं, जो काम कर रहे हैं ना वो बैठ के नहीं बोल रहे हैं कुछ. ठीक है, सो अ कार्डियोलॉजिस्ट नॉट सिटिंग एंड डिस्कसिंग कि हाँ भैया डेंटिस्ट डॉक्टर हैं कि नहीं है, वो अपना काम कर रहा है. मेनली ये सारी बकवास यूट्यूब पे मिलेगी आपको. जो ज्ञान देना तो खैर सबकी आदत है, वो कोई इशू नहीं है, बट डोंट फॉल फॉर दैट. अल्टीमेटली आपकी इन्वेस्टमेंट जाएगी. ठीक है, यूट्यूब आपको पैसा नहीं देगा. यूट्यूब पे बैठा हुआ कोई मोटिवेटिंग इंसान या कोई डीमोटिवेटिंग इंसान आपका घर का बिल नहीं भरेगा. ठीक है, इट इज़ अल्टीमेटली योर मनी. हाउ यू अर्न इट, हाउ मच यू अर्न, दैट इज अप टू यू. एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कि आप इन्वेस्ट कितना कर रहे हो. ठीक है, मैं कभी भी इस चीज़ के फेवर में नहीं हूँ कि आप अपने कैपेसिटी से अप एंड बियॉन्ड जाके अपनी पढ़ाई में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करो कि यू आर टेकिंग एजुकेशन लोन्स एट वेरी हाई इंटरेस्ट एंड अल्टीमेटली आप उसको पे ऑफ ना कर पाओ. इसीलिए फाइनेंशियल कंडीशन अपने घर की देखना जरूरी है, एंड बेस्ड ऑन दैट मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट. अगर आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो या फैमिली बहुत स्ट्रांग है तो आप MBBS मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कोई डिफरेंस नहीं होगा गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज के. MBBS में कोर्सेज वही होंगे. बहुत सारे ऐसे टीचर्स भी हैं जो पार्ट टाइम प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के ही टीचर हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के ही टीचर होंगे, वो आपको पार्ट टाइम प्राइवेट में भी मिल जाएंगे. द मेन डिफरेंस दैट फॉल्स फॉर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स फॉर MBBS एंड फॉर BDS और समथिंग एल्स मेडिकल फील्ड से रिलेटेड इज, जब आप देखते हो ये चीज़ कि फुटफॉल ऑफ पेशेंट्स कितना है. ठीक है, तो हो सकता है कि आपको प्राइवेट में जो एक्सपीरियंस मिल रहा है इन 5 ईयर्स और 6 ईयर्स, वो आपको गवर्नमेंट में हो सकता है 1 साल 1.5 साल में मिल जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा फुटफॉल होता है, इतने ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं दैट आपका हाथ बहुत जल्दी साफ हो जाता है. ठीक है, यू लर्न द स्किल्स वेरी क्विकली. द सेकेंड थिंग इज़ पैसा. ठीक है, सबसे बड़ा झोल इसी का है कि प्राइवेट आपको महंगा पड़ेगा एंड गवर्नमेंट आपको सस्ता पड़ेगा. इट्स मोर सब्सिडाइज, इट्स मोर यू नो ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, कि हर कोई उसमें कोई भी एडमिशन ले सकता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द बैकग्राउंड फ्रॉम विच दे आर कमिंग फ्रॉम. तो ये मेन है. MBBS की डिग्री नहीं बदल जाएगी, अंदर पढ़ाई वही हो रही है, अंडरस्टैंडिंग वही है, टीचर्स भी आपके हर जगह पे स्किल्ड ही होते हैं, आपको पढ़ाने के लिए आते हैं, आपको समझाने के लिए आते हैं. सो अंडरस्टैंड दैट फैक्टर. ठीक है, तो यू कैन गो फॉर BDS, यू कैन गो फॉर B Pharma विच इज फार्मेसी. आप फिजियोथेरेपी के लिए जा सकते हो, फिजियोथेरेपी इज ऑल्सो अ गुड फील्ड.
ग्रोइंग फील्ड, लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ रहा है कि चोट लगने के बाद छोड़ नहीं देते हैं, 10-12 साल तक कमर का दर्द झेल रहे हैं, वो सही नहीं है. पीपल आर नाउ मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स गोइंग फॉर फिजिकल थेरेपी एंड नॉर्मल प्रैक्टिस में भी आ गया है लोगों के साथ. ठीक है, तो ये कुछ बड़े ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आप फेवर कर सकते हो टू गेट अ डॉक्टर का टैग, जो कि पता नहीं क्यों तुम लोगों को चाहिए बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर चाहिए तो वो डॉक्टर वाला फीलिंग के लिए दिस फिजियोथेरेपी कैन बी देयर, BDS कैन बी देयर. अपार्ट फ्रॉम दिस आपको मिल जाएगा वेटनरी साइंसेस इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉर एनिमल रिलेटेड मेडिकल फील्ड. आप BAMS और BHMS के लिए भी जा सकते हो इफ़ यू आर इंक्लाइंड टूवर्ड्स इट. पहले भी बोल चुकी हूँ, दोबारा बोल रही हूँ, कोई भी कॉलेज में आप एंट्री लेते हो, स्पेशली इफ़ इट्स अ मेडिकल रिलेटेड फील्ड, आपको टाइम नहीं मिलेगा टू प्रिपेयर साइड बाय साइड फॉर अनदर नीट अटेम्प्ट. अगर आपका पहला अटेम्प्ट है तो आप बिल्कुल फुल ऑन ड्रॉप लो, पार्शियल ड्रॉप का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि वही तो प्रॉब्लम थी पहले साल में भी कि स्कूल नहीं समझ में आ रहा था, स्कूल और नीट और की कोचिंग कैसे हम डील करें. अब तुम नेक्स्ट ईयर भी ड्रॉप लेने के साथ भी यही प्रॉब्लम अपने लिए फिर से क्रिएट कर रहे हो, विच मेक्स नो सेंस, क्योंकि उसी से बचना था और वही क्रिएट कर लिया. अब कॉलेज में फंस गए हो, कॉलेज और कोचिंग साथ कैसे करूँ ये वो, तो डिसाइड हाँ नीट ही प्रिपेयर करना है तो नीट करो, आगे बढ़ना है जिंदगी में तो आगे बढ़ो. ये दो नाव में एक साथ पैर रख के फिर पोपटी वगैरह डूबोगे और कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा. ठीक है, ये बता रही हूँ मैं. तो पार्शियल ड्रॉप में बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट. पहला अटेम्प्ट दिया, सेकेंड अटेम्प्ट दिया, कूल है. थर्ड अटेम्प्ट पे जब आते हो तो आई वुड से फिर अपने दिल की संतुष्टि के लिए अगर तुमको नीट देते रहना है तो देते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्या पता हो भी जाए किसी साल, क्या आई हैव नो क्लू बट क्यों ये करना चाहते हो, बट इट्स टोटली अ पर्सनल चॉइस. आई एम नॉट इन अ फेवर ऑफ मोर देन टू ड्रॉप्स, दो भी सेकेंड भी मैं बहुत लीनियंट होके बोल रही हूँ, बट आई एम लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट दो, नहीं हुआ सेकेंड अटेम्प्ट दो, एंड आई थिंक आफ्टर दैट यू शुड मूव ऑन टू अदर ऑप्शंस. कुछ ऑप्शंस मैंने BDS वगैरह के थ्रू बताए, हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे 500 550 के आसपास हो जिनके पास मेडिकल कॉलेजेस में जाने के चांसेस थोड़े गड़बड़ हो रहे हैं, वो लोग उन चीज़ों के लिए फोकस कर सकते हैं. जो बच्चा पार्टी बहुत नीचे स्कोर कर रही है और बिल्कुल ही ऐसे हो गया कि नहीं यार ये तो करना ही नहीं है मैम, नीट तो हमें देना ही नहीं है, लेकिन हाँ मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, तो आई एम गोइंग टू गिव यू सम ऑप्शंस रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड. या आप थोड़ा इंक्लाइंड टूवर्ड्स बायोलॉजी अगर हो, ठीक है, अगर आप केमिस्ट्री वगैरह की तरफ थोड़ा इंक्लाइंड हो तो उसके ऊपर भी कभी और बात कर लेंगे कि आप क्या ऑप्शंस और चूज कर सकते हो. ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई टोल्ड, BDS, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, वेटनरी साइंसेज, BAMS एंड BHMS, ठीक है, होम्योपैथी एंड आयुर्वेदा, सो दैट यू कैन गो फॉर थ्रू नीट. द सेकेंड इज आप BSc की तरफ जा सकते हो. BSc की तरफ जब आप जाते हो तो आपके पास बहुत सारे मेडिकल फील्ड रिलेटेड BSc आ जाते हैं. ठीक है, जैसे BSc नर्सिंग आ जाएगा, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ आ जाता है, आपके पास जुअलॉजी आ जाएगा, एनिमल साइंसेज आ जाएगा, इवन कुछ ऐसी BSc भी हैं, कुछ लिमिटेड कॉलेजेस में ही है बट वो सर्च करना पड़ेगा तुमको खुद से, मैं भी बाद में बता दूंगी. ये BSc के कोर्सेज आपके 3 साल तक के ही होंगे. ठीक है, बैचलर ऑफ साइंसेज आपका 3 साल का ही होगा, जिसमें आपके पास BSc इन कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती है. इसके अलावा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, चलो इंजीनियरिंग की बात अलग करते हैं, पहले BSc की बात करते हैं. ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक फोरेंसिक्स, ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, और ये सारी चीज़ें BSc रिलेटेड है, विच इज़ अ 3 ईयर कोर्स. आपको ज़्यादातर गवर्नमेंट कॉलेजेस में मिल जाएगा, आपको ज़्यादातर सब्सिडाइज्ड प्राइस मिल जाएगा, तो यू डोंट हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर दैट, तो दैट्स अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट यू हैव टू टेक केयर. ठीक है, तो फूड टेक्नोलॉजी हो गया, फूड टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन लुक इन टू, बहुत ज़्यादा अप एंड यू नो ब्लूमिंग फील्ड है साइंस, फूड साइंसेस, बिकॉज अगेन दैट समथिंग आगे आने वाले टाइम में क्लाइमेट चेंज के साथ साथ एग्रीकल्चर विल गेट द बिगेस्ट हिट, और उसको कम्बैट करने के लिए बहुत सारे फंडिंग्स भी आ रहे हैं आजकल टूवर्ड्स फूड साइंसेज एंड फूड टेक्नोलॉजी. ठीक है, अगर नहीं मैम हमको पेड़ वाले नहीं पढ़ने, हमको तो खाना खाना होता है बस, हमको पेड़ नहीं पढ़ने, तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन गो टू न्यूट्रिशन एंड साइकोलॉजी, BA साइकोलॉजी आप जा सकते हो, साइकियाट्री की तरफ जा सकते हो, सो दोज फील्ड्स ओपन है. ठीक है, ये BSc की बात करी मैंने जो 3 ईयर कोर्स है, इन्हीं में काफ़ी सारे फील्ड्स में BTech भी होता है. ठीक है, तो देयर इज एन इंजीनियरिंग फैक्टर, लेकिन ज्यादातर आपको ये BTech वाले जो ऑप्शन है ना, ये आपको मिलेंगे प्राइवेट कॉलेजेस में, और फिर प्राइवेट कॉलेजेस की तुम फीस जानते हो,
लेकिन अगर वो चीज़ सब अफोर्ड कर सकते हो तो देखना बीटेक का डिग्री, क्योंकि इंडिया में एग्जैक्टली इंजीनियरिंग का डिग्री लेने के लिए दे रिक्वायर मैथ्स इन योर 11th एंड 12th. जैसे फॉर एग्जाम्पल बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करोगे तो उसमें आपको फिर भी कुछ जगहों पे मिल जाएगा कि आपको मैथ्स की रिक्वायरमेंट नहीं है. वेर एज वेन यू गो फॉर बीटेक बायोटेक्नोलॉजी विच इज़ अ 4-ईयर कोर्स, बीएससी वाला 3 साल का कोर्स है और बीटेक आपका 4 साल का कोर्स है, इंजीनियरिंग की डिग्री है, इसलिए दे डू रिक्वायर बेसिक मैथ्स अंडरस्टैंडिंग टिल 11th एंड 12th. ठीक है, तो अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ्स चारों सब्जेक्ट्स थे तो आप इसके लिए भी एक ट्राई कर सकते हो. ठीक है, अब बात है कि मैम इंडिया में कितना स्कोप है. तो बेटा देखो, स्कोप की बात जब वहाँ आती है जहाँ आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो. ठीक है, तो अगर 200 नंबर पे हो ना तो इस बात का पहले तो दिमाग में बैठा हुआ बात कि बहुत ऑप्शन नहीं है. ठीक है, तो वेन यू हैव ऑप्शन यू लुक फॉर द बेस्ट ऑप्शन. जब ढूंढ हम बचा कुचा रहे हैं कुछ, और बीएससी हमारा मेन टारगेट एमबीबीएस था जिसमें मेरे को 650 नंबर चाहिए थे और मैं 200 नंबर ला रहा हूँ, तो ज़्यादा उम्मीद थोड़ा बहुत ज़्यादा मत लेके जाओ. ठीक है, दैट्स माई जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट टू कीप योर मेंटल हेल्थ इन लाइन. ठीक है, मैं बेड से उठना नहीं चाह रहा हूँ, मैं पढ़ाई करना नहीं चाह रहा हूँ, मैं पूरा दिन सोना चाहता हूँ, लेकिन मैं नीट भी क्लियर करना चाहता हूँ और चाहता भी एम्स दिल्ली हूँ. तो भाई जागो प्यारे, बहुत 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 ज़्यादा चाह रहे हो खुद से, इतना बैठे बैठाए नहीं टपकती एम्स दिल्ली की सीट. ठीक है, अंडरस्टैंड योर सेल्फ, डोंट फूल योर सेल्फ, बस इतना मैं बोलूँगी. बाकी ऑप्शन बहुत मिलेंगे, सब जगह सक्सेसफुल होने का भी ऑप्शन मिलेगा, सब जगह हर चीज़ का. मैंने बार बार बोला है, यू मेक द फील्ड. ठीक है, आपने ऐसे ऐसे नाम सुने जब हमने पढ़ाई शुरू करी थी, जब आपने बॉटनी के पोर्शन में पढ़ा कि आपको पता ही नहीं था ये भी चीज़ें होती है वो होती है. तो ऐसे गो इन टू अ पर्टिकुलर फील्ड, यू अंडरस्टैंड कि उस फील्ड के पॉजिटिव्स क्या है. ठीक है, तो क्या क्या कर सकते हो, एक तो नीट के थ्रू ही जो दूसरे कोर्सेज है उनको देख सकते हो. यू कैन गो फॉर सम कोर्सेज विच आर मेडिकल फील्ड रिलेटेड, बीएससी कोर्सेज. बीएससी के बाद आपको एमएससी करना है. ठीक है, कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनको सीधा एमएससी के बाद कंपनीज हायर कर लेती हैं, जैसे बायोमेडिकल साइंसेज हो गया, बायोटेक हो गया. उतना हाई नहीं है इन रिक्रूटमेंट, बट वो तो पूरी अभी कहानी ही वो चल रही है. ठीक है, दैट्स लाइक एवरीवेयर. अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम किसी एक जगह से ये डिग्री लेके निकलोगे, इतने पैसे लेके निकलोगे और उसको तुरंत नौकरी मिल जाएगी, नौकरी इज अनदर बिग एस्पेक्ट ऑफ इट. तो इतना आगे मत सोचो, इतना फ्यूचर में सोचने की जरूरत नहीं है. आज से 5 साल 6 साल बाद क्या होगा, अपने आप रास्ते निकलते चले जाएंगे. आप आज की डेट में क्या चूज़ कर सकते हो, अपने ऑप्शंस देखो. तो बीएससी रिलेटेड है, बीएससी के बाद एमएससी. इफ़ यू वांट टू गो टू रिसर्च, गुड. आपको बीएससी के बाद एमएससी के बाद पीएचडी जाना है. अगर वो नहीं करना है तो आप एमफिल तक जा सकते हो. एमफिल गिव्स यू एन आइडिया कि रिसर्च कैसा होता है, 1 साल का कोर्स रहता है, 1-1.5 साल का. वो भी नहीं करना है तो आपको जॉब्स के ऑप्शंस भी आ जाते हैं, यू कैन गो फॉर जॉब्स एज वेल. ठीक है, कंपनीज आपको हायर करती है, यू हैव टू गो एंड यू नो अप्लाई फॉर जॉब्स फॉर दैट. फिर आता है आपके पास बीटेक का ऑप्शन. बीटेक का ऑप्शन उन बच्चों के लिए ओपन है जिनके पास मैथ्स था, वो तो टेंशन ही मत लो, कहीं ना कहीं आपको उसका फायदा हो ही जाएगा. अभी अगर आप मेडिकल से मेडिकल के ही बीटेक्स में जाना चाह रहे हो, जैसे कि आपके पास बायोमेडिकल इंजीनियरिंग हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी एंड ऑल दैट. अनदर ऑप्शन इज कि यू गो फॉर फील्ड्स दैट आर नॉट साइंस रिलेटेड. ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका इंटरेस्ट ऐसे है नहीं कुछ डॉक्टर बनने में, लेकिन घर वालों ने बोला तो पीछे पड़ गए उसके. यू कैन गो फॉर फील्ड सच एज इंग्लिश रिलेटेड. ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट है तो, आई एम नॉट सेइंग कि बनी जाओ. ठीक है, हर कोई जाओ और इंग्लिश में ग्रेजुएशन कराओ, नहीं. If you have an interest, you can go for social sciences, you can go for chemistry, ठीक है, physics, specific जो हो गए, physics के लिए आपको maths चाहिएगा obviously, but physics such as microbiology, ठीक है, BSc, which is not medical, मैंने अभी medical की बात करी थी, अब मैं non-medical की बात कर रही हूँ. ठीक है, non-medical BSc's भी आपके पास बहुत सारी है, जैसे आपके पास as I said, microbiology, which एमएससी जाते हो, फिर आगे जाके आपके पास काफ़ी कंपनीज का स्कोप आ जाता है. एंड ट्रस्ट मी, माइक्रोबायोलॉजी का कंपेरेटिवली बहुत अच्छा स्कोप है जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे. ठीक है, फिर लाइफ साइंसेज है, बीएससी लाइफ साइंसेज, बीएससी जूलॉजी, बॉटनी, एग्रीकल्चर साइंसेज एंड ऑल दीज थिंग्स. यू हैव ऑप्शंस. अब जब बेटा देखो, एक बड़ा एक पिक्चर देती हूँ, ऑप्शन सब जगह है, आप कहाँ पे क्या चूज करते हो और आप में कितनी हिम्मत है अपने आप को धक्का मारने की और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की. ठीक है, बहुत बार ऐसा हुआ है, मैं खुद अपने एग्जाम्पल से बोल रही हूँ. बीएससी के बाद आई हैड एन ऑप्शन ऑफ वेरियस
प्लेसेस एमएससी के लिए, बट मैंने उस टाइम पे उस चीज़ को लेट गो कर दिया था फॉर माई हाइयर स्टडीज़, कि मैंने बोला यार घर वालों पे इतना नहीं है पैसा और मेरे को भी इतना नहीं लगाना पैसा, तो अभी नहीं कर सकती मैं ये काम. दिस इज समथिंग आई कैन नॉट अफोर्ड एट प्रेजेंट. ठीक है, आई कैन नॉट अफोर्ड टू गो अब्रॉड एंड आई कैन नॉट डू दिस. बट फिर मैंने मास्टर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया, फिर मैंने पढ़ाने में मेरे को अच्छा लगने लगा, बहुत अच्छा चल रहा था 5-6 साल तक, बढ़िया चल रहा था. फिर आई शिफ्टेड टू ऑनलाइन, वहाँ पे भी बढ़िया ठीक ठाक चला स्टार्टिंग में. फिर धीरे धीरे रियलाइज की दिस होल इंडस्ट्री इज नाउ गोइंग टू वर्ड्स द क्रिंज कंटेंट एंड रील बना रहे हैं बैठ के टीचर्स, वो नहीं है. एक वैलिड, एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देना कहीं ना कहीं हटता जा रहा है. सो आई डिसाइडेड टू चेंज माई फील्ड फ्रॉम दिस एंड मूव आउट ऑफ इट. मुझे फिर मेरे पास क्या ऑप्शन था, मेरे पास यही ऑप्शन है कि क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, तो यू गो बैक टू वॉट यू ऑलवेज थॉट ऑफ डूइंग. ठीक है, तो एक अच्छा हायर स्टडीज़ के लिए कहाँ क्या ऑप्शन मिल सकते हैं, बीटेक बायोटेक हो चाहे बायोटेक इन जनरल हो, स्कोप इंडिया में नहीं है बाहर है. ये मैं अपने टाइम से, जब मैंने 12th करी थी तब से सुन रही हूँ और आई कैन बेट ऑन इट कि लगभग जब से 2000 स्टार्ट हुआ है, 2001 से यही बोला जा रहा है. आज 2023 हो गया है तो ऑलमोस्ट 22 ईयर्स इट्स बीइंग सेड कि इंडिया में स्कोप नहीं है, बाहर है स्कोप. ठीक है, इंडिया में स्कोप नहीं है कि दो रीज़न है. एक तो पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि बहुत लिमिटेड सीट्स होते हैं, बहुत लिमिटेड चीज़ें होती हैं. आप जहाँ पैर रखोगे ना, आपने रियलाइज़ भी नहीं किया होगा, वो क्लास भी पूरी फुल है. आप आज की डेट में बॉटनी भी करने जाओगे ना, आप अपने आसपास किसी को नहीं जानते होगे कि आप बीएससी बॉटनी कौन करता है भाई. फिर भी जब तुम बीएससी बॉटनी के लिए एडमिशन लेने जाओगे ना, तो वहाँ पूरी जनता मिलेगी तुमको. ठीक है, सो यस वी आर कम्पीटिंग विद अ ह्यूज ह्यूज पॉपुलेशन फॉर द सेम सीट, वो चीज़ का तो हमेशा रहेगा. बट ये भी देखो कि जो काम करना चाहता है, जो पढ़ना चाहता है, जो कमाना चाहता है, वो कहीं ना कहीं से तरीका ढूंढ लेता है. ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा आपके साथ कि आपने कुछ एक पर्टिकुलर काम कर लिया तो आप दूसरा नहीं कर पाओगे. सो दैट इज जस्ट टेक दैट आउट ऑफ योर हेड कि ये कर लिया तो भैया खत्म ही है, इसके बाद तो कुछ करेंगे ही नहीं. ऐसा नहीं होता है. ठीक है, रास्ते अपने आप निकल आते हैं. एट प्रेजेंट आप क्या कर सकते हो, आप उसकी सोचो. आज से 5 साल बाद आपका क्या होगा, उसके ऊपर उतना ज़्यादा ऊपर ओवर एम्फेसिस करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, सो अंडरस्टैंड दैट पॉइंट. कुछ ऑप्शंस मैंने आज आपको दिए हैं, कुछ ऑप्शंस अगर इनसे रिलेटेड और कोई डाउट है दिमाग में कि कहाँ क्या कैसे, एक जनरल सर्च जो मैंने टॉपिक्स बोले हैं, जो पॉइंट्स बोले हैं, उन पर आप एक बार करके देखा. इफ़ यू आर स्टिल कन्फ्यूज विद सम पॉइंट्स और सम कन्फ्यूजन्स रिलेटेड टू कोर्सेज या कहाँ पे ढूंढ सकते हैं या क्या हो सकता है, तो एक जनरल सर्च करके देखो. अगर फिर भी फंसते हो तो डू मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूंगी. ठीक, ये मैंने एक ओवरव्यू दिया क्योंकि अभी बच्चे बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे कहाँ क्या करना है. तो ये ऑप्शन है, CUET के थ्रू आप कहीं ना कहीं मेडिकल किसी ना किसी गवर्नमेंट कॉलेज के BSc के कोर्स में, BA के कोर्स में जा सकते हो. डू नॉट क्लोज योर ऑप्शन जस्ट बाई थिंकिंग कि ये मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे. लोग हर किसी के बारे में कुछ ना कुछ कहते हैं. लोग APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में भी कुछ ना कुछ कहते थे. ठीक है, लोग हर किसी के बारे में कुछ कहते हैं क्योंकि लोगों का काम है कहना. ठीक है, डोंट गिव. ठीक है, सो दैट्स इट, डोंट वरी अबाउट इट. वो तो बकवास हटा दो दिमाग से. ठीक है, अपने पे फोकस करो, तुम क्या चाहते हो आज की डेट में. एक बहुत बड़ा एक पॉइंट मैं बोलना चाहूंगी विच हैज हेल्प्ड मी ऑल थ्रू माई लाइफ इन मेकिंग डिसीजन एंड अभी तक तो टचवुड बढ़िया चल. ठीक है, तो एंड दैट इज, मुझे भी नहीं पता था मुझे क्या चाहिए. ठीक है, आफ्टर 12th टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे भी नहीं पता था मुझे क्या चाहिए. एंड उस टाइम पे टू, और बहुत बड़ी बात यह है कि उस टाइम पे कोई ऐसे यूट्यूब वगैरह भी नहीं था कि जहाँ तुम बैठ के पूरा दिन स्क्रोल कर करके ऑप्शन ढूंढ लो. ठीक है, वो भी पॉसिबिलिटी नहीं थी. तो बेसिकली इफ यू नो यू नो, ज़्यादा ज़्यादा आपके पेरेंट्स आपको गाइड कर सकते हैं, आपके टीचर्स आपको गाइड कर सकते हैं, उससे ऊपर आपको गाइड करने वाला कोई नहीं था. ठीक है, दोस्त सिर्फ आपकी ज़िंदगी में एंग्जाइटी लाते हैं उस टाइम पे कि यार मेरा तो यहाँ एडमिशन हो गया, मेरा तो वहाँ एडमिशन हो गया, अब मैंने तो लोन लिया था एजुकेशन लोन, और मैं नहीं ले सकता भाई मेरे माँ बाप एजुकेशन लोन. ठीक है, तो मैं क्या करूँ. सो हियर कम्स द पॉइंट कि आप आज की डेट में, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट व्हाट आई थॉट कि मुझे ये नहीं पता कि मुझे क्या करना है, लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे क्या नहीं करना है. ठीक है, माई सिस्टर इज ऑलरेडी अ डॉक्टर, तो उसको मैंने देखा था बहुत गंदा जिंदगी में घसाई. मैंने बोला ये तो हम कर नहीं रहे हैं. ठीक है, ये तो हम कर नहीं रहे हैं क्योंकि ये नहीं हो पाएगा मुझसे. ठीक है, सो आई न्यू दिस फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, आई नेवर वॉन्टेड टू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड गो टू अ प्लेस वेयर आई फील रियली रियली सैड फॉर द वर्ल्ड.
एंड बी बीइंग अ वेरी पेसिमिस्टिक पर्सन इन लाइफ, थोड़ा मैं नेगेटिव ही सोचती हूँ पहले, तो मुझे ये था कि मैं नहीं सुबह उठ सकती हूँ और ऐसी जगह जा सकती हूँ जहाँ हाँ मैं मदद कर रही हूँ। ठीक है, बहुत बच्चों का ये होता है कि हम बुरा देख रहे हैं दुनिया में लेकिन मदद कर पा रहे हैं ना मैम उसकी, वो है हमारा मोटिवेशन, विच इज़ सो गुड, विच इज़ एक्सेलेंट, विच इज़ सो ऑप्टिमिस्टिक एंड सो नाइस आपका थॉट प्रोसेस है कि आई फील जेलस ऑफ इट, बट मैं नहीं कर सकती वो। ठीक है, तो दैट वॉज वेरी क्लियर इन माई माइंड कि मेरे को डॉक्टर नहीं बनना है बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड गो टू अ प्लेस वेयर आई फील सैड। अपने लिए अच्छा कर रही हूँ तो गिल्ट फील हो और किसी और के लिए नहीं कर पा रही हूँ कुछ तो बुरा फील हो अगेन, सो आई डेंट वॉन्ट टू डू दैट। सो मेडिकल फील्ड तो वैसे ही मैंने हटा दिया था। फिर हम आते हैं इधर, फिजिक्स डब्बा डोल, ठीक है, केमिस्ट्री थोड़ा बहुत ठीक ठाक था, एंड बायोलॉजी, बायोलॉजी में इंटरेस्ट है अब किस में, जुआलॉजी करना है कि बॉटनी करना है, जुआलॉजी में मुझे नहीं काटने मेंढक, ठीक है, तो मेरे को वो वाला उस टाइम पे था। तो आई नो दीज थिंग्स मे साउंड वेरी वियर्ड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि ठीक है यार काट भी देते मेंढक क्या जा रहा था, बट उस टाइम पे जो सोचा सोचा, बी कंटेंट विद इट, आई एम वेरी कंटेंट विद इट। ठीक है, जो मुझे बीएससी बॉटनी की डिग्री ने दिया है वो शायद नहीं मिलता, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को भी नहीं मिल पा रहा। ठीक है, सो आई वॉन्ट टू से दिस, टेक अ डिसीजन दैट यू वॉन्ट टू टेक, गो फॉर कोर्सेज दैट यू वॉन्ट टू डू, अपनी गलती भी होगी ना तो कभी रिग्रेट नहीं करो। ठीक है, अपना डिसीजन नहीं भी होगा ना, तुमने सबकी सुन ली, हाँ सबकी सुन ली, बट टेक द फाइनल डिसीजन ऑन यू, बिकॉज अगर वो गलती तुम्हारी होगी भी, इफ यू मेक द बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ योर लाइफ ऑल्सो, स्टिल यू विल नॉट फील बैड, यू विल नॉट रिग्रेट इट, तुम्हारा अपना चॉइस होगा, तुम रिग्रेट नहीं करोगे उसको, ट्रस्ट मी ऑन दैट। ठीक है, तुम ये बोलोगे यार उस टाइम पता नहीं था, जितना पता था उसके हिसाब से ये कर लिया मैंने, दैट्स इट। ठीक है, तो आपके पास BDS एंड अदर कोर्सेज दैट आर थ्रू नीट, आप उसके लिए जा सकते हो, BSc विच इज रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड्स, आप उसके लिए जा सकते हो, नर्सिंग, कार्डियोवास्कुलर थेरेपीज, रेडियोलॉजी, इन सब के लिए जा सकते हो, बीटेक बायोटेक वगैरह में देख सकते हो, बीटेक बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग, बीटेक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इनके फील्ड में जा सकते हो, या आप कंप्लीटली नॉन मेडिकल फील्ड्स के लिए ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, स्टिल हैव एनी डाउट्स प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि आई अंडरस्टैंड द कन्फ्यूजन किस लेवल का है कहाँ है, तो आई होप आई आई कैन हेल्प यू आउट विद दैट। ठीक है, इसको थोड़ा इस टेंशन को कम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग एंड योर प्रिपरेशन।